होनी और विधि के विधान को कोई नहीं जानता। उसी के चलते घर में फ्यूज बल्ब बदलते समय घर के इकलौते पुत्र को ही करंट लगने से मौत हो गई। मौत को लेकर कोहराम मच गया। बता दें औरैया जिले के थाना बेला क्षेत्र की चौकी सुजानपुर के ग्राम कुर्सी में यह घटना घटित हुई है। बताते चले युवक पुष्पेंद्र पाल पुत्र श्रवण पाल उम्र 30 वर्ष अपनी पत्नी बच्चों के साथ कमरे में सो रहा था। घर में बिजली का बल्ब फ्यूज हो गया जिसे बदलने के लिए चारपाई से उठा और बल्ब को बदलते समय बिजली के बोर्ड के करंट ने उसे अपनी चपेट में ले लिया जिससे उसकी मौत हो गई। काफ़ी देर तक जब पति कमरे में नहीं पहुंचा तो पत्नी विमल देवी ने जाकर देखा तो पति बोर्ड से चिपका हुआ था। पत्नी ने दौड़कर MCB गिराई, वैसे ही पुष्पेंद्र नीचे ज़मीन पर गिर गया। पत्नी ने देखा तब तक उसके पति की मौत हो चुकी थी। पति की मौत से पत्नी चीखने लगी। चीख पुकार सुनकर युवक की माँ एवं परिजन और पड़ोसी आ गए। युवक के शव को देख गांव में कोहराम मच गया। इस दौरान माँ और पत्नी का करुण क्रंदन से हाल बेहाल हो गया। वहीं मृतक के चचेरे भाई दीपू पाल पुत्र कन्हैया लाल पाल की सूचना पर मौके पर पहुंचे पूर्वा सुजान चौकी इंचार्ज नीरज त्रिपाठी ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बिजली ने पकड़ लिया था। किसे? मेरे भाई चाचा के लड़के, उसका नाम पुष्पेंद्र कुमार। तो कर क्या रहा था बिजली में? कुछ नहीं, लेटा था, तार गिर गया था। नहीं तो घरेलू लाइन गिरी है कि खंबा की लाइन गिरी है? घर के लोग। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।